बंदे मोमिन का अगर अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मुखलिसाना है, उसमें मुनाफिकत नहीं है, उसमें रिया नहीं है, उसमें धोखा नहीं है, उसमें फरेब नहीं, मुखलिस मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ताला का ताल्लुक भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करता है अल्लाह ताला। अना इंदा जन्ने अब्दी भी, हुजूर ये अल्लाह का कौल है हदीस कुदसी में कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है मैं वही सलूक उसके साथ करता हूं। अल्लाह ताला भी मुखलिस है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो यकीनन जो कुछ हुआ है उसमें मेरे लिए खैर है, चाहे फौरी तौर पर मुझे नागवार गुजरा है, मुझे तकलीफ हुई है, मेरे लिए ये शय जो है नापसंदीदा है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुझे यकीन है कि इसमें खैर है। बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह तेरे हाथ में खैर ही खैर है, तू हर चीज पर कादिर। अच्छा जो होगा वो भी इज़्ने रब के बगैर नहीं होगा, यही तसव्वुर उसके बारे में होना जरूरी है। इसी का नतीजा ये निकलता है जिसको कुरान मजीद बार बार कहता है, बार बार कहता है, बार बार कहता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या मतलब इसका, ना उन पर कोई खौफ है ना हुज़्न से दो चार होते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह आखिरत में होगा, आखिरत में तो बतमामो कमाल होगा, दुनिया में भी होता है, खौफ किस बात का भाई, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका वली, वो मेरा वली। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनके न कोई खौफ होता ना हुज़्न होता। खौफ किस बात का, होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, और जो कुछ अल्लाह चाहेगा उसमें कोई ना कोई खैर होगा, चाहे फौरी तौर पर मुझे नजर ना आए। कुरान कहता है सूरह बकरा में, आसान तक रहू शैयन वह हुआ खैर लकू, वह आसान तो हिब्बू शैयन वह हुआ शर्र लकू। एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरा हाले कि उसी में तुम्हारे लिए खैर हो, और एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, दरा हाले कि उसमें तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तुम अफ़आल व आमाल व अहवाल व वाक़ियात के जाहिर को देखते हो, उससे मुतासिर हो जाते हो, उसके पर्दे में क्या मशीयत इसदी है, क्या इरादा खुदावंदी है, उसके पुष्ट पर क्या चीज है जो अल्लाह ताला को मतलूब है, ये हमें नजर नहीं आता। वी आर शॉर्ट साइटेड, हमारी निगाह जो है बस कुछ दूर तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। लिहाजा अफाल और अमाल और अहवाल और वाकयात के सिर्फ जाहिर पर हमारी निगाह है, बातिन पर तो है ही नहीं, लिहाजा हम उससे मुतासिर होते हैं।